हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप गाइस आप सब स्वस्थ होंगे। अपन भी एकदम मस्त। गाइस सुबह के बज रहे हैं 8 अभी, और अपन कोई लेटा हुआ है, कोई वॉशरूम गया है। अपन तो सोए थे इधर सिंगल वाले बेड पे, और डबल बेड पे मुन्ना और रब्बा उधर, और सारा सामान गाइस आप देख सकते हो पूरा फैला रखा है। तो ये लोकेशन रहा है रूम का। कल आपको हम अच्छे से मैच देख रहे थे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, तो वहाँ पे सामने है मुन्ना। और गाइस हमारी फ्लाइट है 12:20 की, और हमें छोड़ के वहाँ पे 1:30 या 2 बजे समथिंग हमारी जो फ्लाइट है वो लैंड करेगी दिल्ली। गुड मॉर्निंग। सो रही क्या अभी? अब हमें छोड़ के एयरपोर्ट पोलो ग्राउंड में हमारा रूम, ठीक है, आगे की तरफ। क्या जाएंगे यहाँ से? 9:30-10 बजे। हाँ 10 बजे आ जाना यहाँ पे लेने। हमें पक्का ना था, हम यहाँ किसी और को ना बोल रहे, ठीक है क्या? और गाइस मुन्ना भी बात कर रहा था आज लोगों से, आज लोग बिहार के इधर ले में तुम्हारे तीनों जो आ चुके, वो तीनों आर के इधर तो रुके ऊपर होटल में। तो मुन्ना उनसे बात कर रहा था मैं छोड़ने के लिए एयरपोर्ट, तो बोल रहा कि 10 बजे तक हम आ जाएंगे। तो मुन्ना वो भी गाइस अभी मंगवाते हैं फिर नाश्ता जल्दी से। मैंने मुन्ना को कहा, मुन्ना बोल रहा कि नाश्ते में है ब्रेड ऑमलेट और पराठे। मैंने कहा ब्रेड ऑमलेट? मुन्ना बोल रहा ब्रेड ऑमलेट से पेट नहीं भरेगा। बट कोई नहीं, मैंने कहा कुछ पराठे मंगवा ले, कुछ ब्रेड ऑमलेट। सो ब्रो गैंग इज रेडी टू गो। वेयर? अभी नाश्ता कर दो भाई, इसके बाद तैयार हो जाना है। डब्बा तो नहा के आ गया, और गाइस मैं तो नहा गया था कल रात को। तो अभी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ 2-3 व्लॉग मेरे एडिटिंग करने के लिए। एक व्लॉग तो अभी एडिट किया जो हम तुक गए थे, तो अभी अपलोड करने वाला हूँ गाइस जल्दी से। तो 8:15 तो हो चुके, जल्दी से पहले इसको एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद अपलोड करते हैं। तो गाइस ये दोनों तो हो चुके हैं रेडी, अपना अभी ब्रश भी नहीं हुआ, चलते गाइस बाथरूम में जल्दी से। सो गाइस घर जाने की खुशी ना अलग ही होती है। फाइनली हम 5.5 महीने बाद घर जा रहे हैं ये लद्दाख से। सो गाइस इस बंदे को देखिए ध्यान से, ये 3 बजे रात को उठ गया था, 3 बजे रात को। उसके बाद से चला है भजन, ना हमें सोने दिया ना खुद सोया। अबे क्या हो गया था भाई रात को ये बता चलते हो अब? भाई क्या होना है, घर जाने की खुशी है, कत्ता मत लग रही है, और क्या होनी है। देखो क्रीम देखो गाइस कितना ज्यादा इसने हो रखा है सनस्क्रीन में भाई लोगों, यहाँ पे क्योंकि धूप इतनी तकड़ी पड़ती है, पता चला कि घर जाते कारण होता है। चलो और रब्बा जी, एंड गाइस बाहर का नजारा देखिए। इधर रख दो, इधर इधर इधर। सो गाइस अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, जल्दी से करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं भी रेडी होता हूँ, फिर हम लोग पाँच लोग को फोन करेंगे, फिर वो लोग हमें लेने के लिए आएंगे। और गाइस अभी अपन रेडी हो चुके हैं, तो अभी थोड़ा ज़्यादा मार्केट की ओर अभी टाइम हो रहा है, फिर से 9 बज चुके हैं, फिर से मार्केट जा रहे हैं हम। कल तो भाई पूरा 1 बजे के बाद हम पूरा मार्केट घूमे थे शाम को हम रूम पे। तो चलते जल्दी से गाइस, चल भाई मुन्ना फटाफट। सो गाइस ये बंदा सुबह से तैयार हो रखा है, बट अभी तक इसका मतलब जो सिस्टम है ना वो कुछ नहीं हुआ। देखो सारे सामान फैला रखा, अभी तो इसने अंदर रखा, और हमसे पहले तैयार हो गया था, हमसे पहले उठ गया था। अच्छा जी, चल फिर फटाफट चले। सो गाइस सुबह हो रखा, एकदम मौसम ठंडा, मैंने जैकेट भी नहीं निकाली, कोई नहीं, वैसे धूप भी लगी हुई बाहर। तो चलते गाइस जल्दी से। ये पकड़ना, ओ मानी पद्मे ओ पद्मी मानी ओ मानी। चलो भाई चलो। आई लव लद्दाख। और गाइस अभी पूरा मार्केट जो है वो है बंद, तो चलते बस वापस। और गाइस हम लोग आ चुके हैं मार्केट से वापस, क्योंकि मार्केट मार्केट है बंद।
तो मार्केट खुलेगा 10 बजे। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके होटल से। ये होटल का नाम था पैलेस व्यू। तो अभी जा रहे हैं पोलो ग्राउंड, आ चुके हमें लेने के लिए, आ चुके हैं वहाँ पर गाड़ी लेके। तो ये दोनों जा चुके आगे गाइस, अपने पास है भारी भरकम वाला बैग और एक छोटा सा हैंड बैग। जुले आचो जुले जुले और सो गाइस, ये अपनी ग्रैंड सुमो जो परसों खराब हो गई थी बट कल इसे बनवा लिया गया। तो आज लोग कल से हमको पहुंचे दिल्ली। एंड गाइस जो वाइट टॉप को दिख रहा है, ये है बुद्धिस्ट क्रूजी का महल और ये सामने पे है पैलेस, ले पैलेस जो यहाँ पर दिख रहा है, पूरा मिट्टी और पत्थर का बना हुआ है। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। तो सामान उतार लिया नीचे गाड़ी से, आ चुके थे हमें छोड़ने के लिए। उठा मना बैग, चलो जी ठीक है, चलो फिर मिलेंगे। ठीक है अच्छा अच्छा भाई मिलेंगे। चलो चलो ठीक है बाय बाय। वो लगी में क्यों डाल रहा, उसको रहने दे ना हैंड में, वो हैंड में रहने दे, हैंड में रहने दो। अभी बोर्डिंग पास ले लिया हम तीनों ने। चलो चलो भाई चलो भाई चलो। सो चलो गाइस अभी बैठते बस में सीधा फ्लाइट की ओर। आराम से बैठ रहे, आराम उठ दो। गाइस अभी हम लोग उतर रहे बस से, सामने हमारा उल्टना कर खिड़की तो बैठवा ठीक है। इस तरफ फ्लैप उठाएं, कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन नकाब अपने आप ऊपर बने पैनल से नीचे आ जाएंगे। कुर्सी पर बैठे रहें, मास्क को अपनी ओर खींचें और नाक मुंह ढककर सामान्य रूप से सांस लें। अपना मास्क पहले पहने।
भाई सड़ी वाली गर्मी हो रही दिल्ली में यार भाई। ऐसे लग रहा है बीच में पता नहीं कितने घंटे क्रॉस करके आ रहा। तो गाइस वी आर लैंडिंग इन दिल्ली, ये पर बैठ जा। मुन्ना गर्म ना होने एक बजा गाइस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपने लगेज का, बहुत टाइम लग गया भाई लगेज आने में। जान दो मेरा वाला कहाँ गया यार? नहीं मेरे तो आए थे, दोबारा चले गए। आगे मेरा वाला देखो आ गया, आज फटाफट भाई मैं वेट कर रहा हूँ। अरे आ जा भाई फटाफट है। चलो भाई पूरा लद्दाख माल ला यहाँ पर। चलो रे कुली मास्टर दोनों आ जाओ अभी देर। चावल नहीं है दिखा रहा था गाजीपुर किचन लोकेशन दिखा रहा ना तुम्हारा, क्योंकि हमने ओला किया था ना पहले तो उसमें दूसरा एड्रेस डाला था, अभी हमने चेंज किया ना फिर उससे। नियर बाई है बोले यार तुम्हारे अगल बगल है तो हाँ हाँ 1-2 किलोमीटर का फर्क दिखा रहा तुम्हारा वो हमारा। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रूम पे, तो अभी टाइम हो रहा है 4 बज चुका है, तो हम निकलेंगे सुबह 2-3 बजे। तो अभी हम अपना लंच भी हो चुका है, तो अभी जा रहे हैं हम डीकैथलॉन, तो वहाँ से लेंगे अपने राफ्टिंग का कुछ कपड़े। गाइस हम लोग रुके हुए नोएडा गाजीपुर के पास, और चल दादा घूमते हैं डीकैथलॉन स्मार्ट बाजार। चलो मुन्ना। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं मॉल में, तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के हर कंपनी के वो है। तो अभी हम आए हैं डीकैथलॉन में, तो अभी ढूंढते जल्दी से कपड़े। फाइनली गाइस 3 घंटे के बाद हम जा रहे डीकैथलॉन से बाहर। यो भाई तो बहुत भयंकर शॉपिंग कर रहा था आज, बोलो था आज डीकैथलॉन खरीद देता हूँ, 83 करोड़ का मालिक वैसे भी है। कौन सा भाई? सो गाइस अभी हम लोग जा रहे स्वीट लेने के लिए, रात के बज रहे 9, तो खाना खा के भी आ जाएंगे। चलो फटाफट गाइस फाइनली स्वीट भी ले लिया है, अभी चलते गाड़ी में। हाँ भाई हटा दे हाथ, अब स्वीट ले लिया।
तो वो लेनी है। कहाँ गया सुबह कहाँ गया? तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, टाइम भी हो रहा है 1:03। सो गाइस अभी सारा लगेज हो चुका लोड। पहन चुका है चश्मा, ये मेरे नया चश्मा, तो मैं नया चश्मा रात को भी लगा रहा हूँ। चलो यार गर्मी हो रही बहुत, सड़ी वाली भाई, पसीने को पसीने टपक रहे। जूते सो गाइस सुबह के बज रहे 6 और फाइनली गाइस अपन पहुंच चुके हैं घर। वही हमें तो मैं जा रहा हूँ, पहले फ्रेश होने के लिए, उसके बाद सोता हूँ 2 घंटे। अभी 6 भी नहीं बजे, 10 मिनट बाकी है, उसके बाद दिखाऊँ आपको सुबह का नज़ारा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अनदर डे। अभी चलते गाइस पार्क दादी को मिलने के लिए। आ पवन, ए संध्या, ये लोग जा रहे स्कूल। और गाइस ये कुछ गांव का नज़ारा, बरसात में तो पूरा हरा भरा हो रखा है। अभी भी अक्टूबर, आज 10-10 हो गया। तो चलते गाइस जल्दी से पहले पार। नमस्ते नमस्ते। हाँ तुम कणकल यहाँ दुए दी है, कहाँ बन गए तुम? नमस्ते। हाँ तू तो रहा है भैया। क्या है रहा? मैं तो पहचान ही नहीं तू यार। नहीं पहचान ना कल रहा है भाई। दादा क्या है रहा? कमजोर केन भैया। बस हुआ स्कूल गए तो आज। नमस्ते, हेलो बियर बना क्या बना? बस फिर पहुंच यार 6 बजे। दादा नमस्ते। नमस्ते बाबा, कब आ रहे हैं? मैं सुबेर सुबेर ही। अच्छा कुको आए तुम सब आए? हाँ सब आएगी ना। और दादा का और गाइस साइकिल और बाइक मैंने बाहर निकाल दी, मुन्ना अपने बुलेट लेके जा चुका है, मम्मी यहाँ पता नहीं क्या सुखारी कागज डॉक्यूमेंट्स कपड़े भी डाल दिए बाहर। टाइम 9:30 हो चुका है गाइस, अभी तक अपना ब्रश नहाना धोना कुछ नहीं हुआ, चलते पहले अपना ब्रश वगैरह करते हैं। इस बार बारिश ने पूरा हर जगह सीलन सीलन डाल दिया। सो गाइस मेरी दुकान जूतों की सारे अभी डालता हूँ बाहर सूखने के लिए। गाइस आज है दादाजी और ताई जी की श्राद्ध, तो पंडित जी आ चुके हैं, बट बाहर मौसम हो चुका है बारिश वाला, बट पहले मैं रखता हूँ सारे कपड़े अंदर, उसके बाद चलता हूँ जल्दी से पार। नमस्कार सो गाइस अभी हो चुका है शाम का वक्त, दिन में अपन सो गए थे क्योंकि 2-3 दिन से नींद पूरी नहीं हुई, तो अपन अभी जाके उठे थोड़ी देर पहले, फिर कपड़े वगैरह सारे डाले अंदर, अब जाके मैंने खाना खाया सुबह से। एंड गाइस ये है गांव के पीछे का लोकेशन, ये जो आपको वाइट टेंट कैंप दिख रहे हैं ये अभी नए नए बने हैं कुछ 5-6 महीनों में। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत टाइम बाद अपने गांव का